तो आज अपन पढ़ेंगे टिड्डे के मुखान। इससे तो पीछे वाली जो क्लास थे उसके अंदर अपन ने पढ़े थे टिड्डे की बाह्य संरचना। आज का टॉपिक है टिड्डे का मुखान। तो टिड्डे के जो मुखान है वो भोजन को काटने पर चबाने के लिए होते हैं। ये पांच प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है ऊपरी होठ। ऊपरी होठ है ये सिर के क्लाइपियस भाग से जुड़ा हुआ होता है। सिर के क्लाइपियस भाग से जुड़ा हुआ होता है। ये मुख के आगे या मुख द्वार के आगे ऐसे छज्जे की तरह लटका रहता है तथा मुख को आगे से बंद करने का कार्य ऊपरी होठ के द्वारा किया जाता है। यह चौड़ा तथा खोखला होता है। सेकेंड जो मुखांग है वो है चिबुका अस्थि या मैंडिबल। चिबुका अस्थि है ये ऊपरी होठ के बिल्कुल पीछे, जैसे ये लटका हुआ है तो यहां पर और यहां पर ऐसे लगे रहते हैं चिबुका अस्थि। चिबुका अस्थि की कठोर तथा त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं। ये जो है ऊपर की ओर से या इनके आधारीय भाग है वो तो होते हैं चौड़े, जबकि अंदर की तरफ इन ऐसे लग करके ये मुख के ऐसे जाते हैं दोनों। ये अंदर की तरफ है, ये इनके आगे की तरफ या भीतरी भाग के आगे की तरफ आरी के समान दांत पाए जाते हैं जो भोजन का भोजन को काटने का कार्य करते हैं। चिबुका अस्थि संख्या में एक जोड़ी यानी कि दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड प्रसिद्ध होती है। नंबर तीन जो मुखांग है वो है जंबिका। जंबिका भी एक जोड़ी होती है, एक लेफ्ट एक राइट साइड उपस्थित होती है। ठीक है, जंबिका है ये चिबुका अस्थि के ठीक पीछे लगी होती है। जैसे ये ऊपरी होठ हो गए, यहां पर होती है चिबुका अस्थि। चिबुका अस्थि के ठीक पीछे की ओर यहां पर लगी हुई होती है जंबिका या मैक्सिला लगी हुई होती है। जंबिका मैक्सिला है इसका कार्य होता है भोजन को पकड़ने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ये भोजन को इस प्रकार पकड़ती है, यानी ये इसके मैक्सिलरी पल्प है, इनकी सहायता से भोजन को पकड़ा जाता है। क्या भोजन को ये इस प्रकार पकड़ती है कि चिबुका अस्थि के द्वारा भोजन को आसानी से काटा जा सके या चबाया जा सके। ठीक है, चिबुका अस्थि है इसके भाई निम्न भाग होते हैं। जो आधारी भाग है वो कार्डो, इससे ऊपर वाला भाग स्टाइकस कहलाता है, इससे ऊपर वाला ये जो भाग है वो लैसेनिया, और ये जो खुली हुई संरचना है वो कहलाती है गैरिया। संख्या में ये भी एक जोड़ी या दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड उपस्थित होते हैं। ठीक है, नंबर जो चार है जो मुखांग वो है निचला होठ। निचला होठ है बिल्कुल इसके सामने, इन जंबिका के ठीक पीछे ऊपरी होठ के बिल्कुल एकदम सामने होता है। ठीक है, जो ऊपरी होठ है इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। ऊपर वाला जो ये भाग है वो कहलाता है लिग्यूला। ये वाला जो भाग है इन मध्य के अंदर प्रीमेंटम, प्रीमेंटम के जस्ट नीचे उपस्थित होता है मेंटम, और जो सबसे लास्ट में होता है सबमेंटम कहलाता है। और ये जो आपको बाहर में जो संरचना होती है ये कहलाते हैं लेबियल पल्प। ऊपरी होठ के जस्ट नीचे की ओर ये उपस्थित होता है। जैसे ऊपरी होठ यहाँ पर हो गया, बिल्कुल ऐसे एजेटिक ये दोनों ऐसे व्यवस्थित होते हैं। इसका जो कार्य होता है मुख को पीछे से बंद करने का जो कार्य है वो किया जाता है निचले होठ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नंबर पांच है अधोग्रसनी। अधोग्रसनी जो टीटा है उसके मुख गुहा के अंदर एक जीव जैसी संरचना पाई जाती है, और वो जो जीव जैसी जो संरचना है वो कहलाती है अधोग्रसनी। इस अधोग्रसनी के साइड में बगल के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को चबाते समय लार का स्राव करने का कार्य करते हैं। ये तो थे टीटे के पांच प्रकार के मुखांग।